सभी मैंने कोई हम लोग कोई देखो चोरी के केस में निर्माण साहब कई फेवर करते हैं, जन मैं फेवर करता हूँ, ये मेरे और दूर रिलेशन में अंकल ही लाया जो आए थे उसने ही मैं जिनको अंकल बोल रहा था। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. देते हैं, पर लुटाते हम कहीं नहीं, जैसे लुटाते कम भी है। आपने देखा सेटलमेंट वाले आए फटाफट में 20,000 रुपए कह दो उनको 50% जमा करो, अभी साल 50% आने से अभी बैठ के है, दो घंटे में इनकी 10-15 जब अपन भी करते हैं, कोई भी करता है तो दूसरों को क्यों करते हैं? चोरी के केस में आप निश्चित करो कि वीडियो सपोर्ट की डाटा पावर करवा दो, अच्छा फ्यूर भी किसी नहीं। और एक क्या है कि शहर में एक मैसेज जाता है कि ना इंस्ट्रक्शन जो चीफ एमबी ऑफिस से निकले, चीफ इंजीनियर ऑफिस से निकले, उसको डाटा पावर कोई केयर नहीं करता है। नहीं ऐसा नहीं करो, उस एक बार काले साहब हाँ बताओ मेरी मिसेस हो गया, मेरा डाइवोर्स सर, तो इन्होंने मैंने फाइल लगाई सर, तो इन्होंने कैंसिल कर दिया और उसके नाम से मीटर लगाऊंगा ऐसा। वो हर मंगलवार की जगह जैसे आज भी हमने जन सुनवाई रखी है और जन सुनवाई में लोगों का अच्छा उत्साह है। पिछले बार चूंकि लोगों को ज़्यादा पता नहीं था कन्या उपभोक्ताओं को, इसलिए कम आए थे, पर इस बार काफ़ी अच्छी संख्या में उपभोक्ता आए हैं और इनकी जो ज़्यादातर समस्या है वो या तो विजिलेंस के VCR से रिलेटेड है और या फिर कनेक्शन से रिलेटेड है कि भाई हम लोगों के कनेक्शन जो नहीं हो रहे उनके बारे में है। कनेक्शन के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली, जो संभव कनेक्शन है उन कनेक्शन को 7 दिन के अंदर हम कराने का प्रयास करेंगे और VCR के केसेस को हम सेटलमेंट के अंदर लेंगे। अभी चूंकि रेवेन्यू राजस्व वसूली का ड्राइव निगम ने चला रखा है, ऐसे ही टाटा पावर को भी अपनी लॉस कम करने के लिए इन लोगों ने भी चला रखा है। दोनों के लिए ही मैं सभी उपभोक्ता जो अजमेर डिस्कॉम से रिलेटेड है उनसे निवेदन करूंगा कि वो आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपने बिजली के बिल यथासंभव ड्यू डेट से पहले जमा कराएं, जिससे कि बिजली कनेक्शन कटने से वो बचे। और दो फायदे हैं उनके, एक तो बिजली नहीं कटेगी, दूसरा जो बिजली कटने के बाद RC के चार्जेस लगते हैं वो भी नहीं लगेंगे। तो सभी से मेरा आग्रह उपभोक्ताओं से कि आप अपना समय पर बिल जमा कराएं, जिससे कि निगम को भी फ़ायदा हो और निगम को आगे के सालों के अंदर कोई टैरिफ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़े।